तो ये हम बनाने लगे हैं आलू वाले चावल, आलू और अनार वाले। तो ये जो छुरी होती है हमने पकड़ी हुई, इसको हम नहीं यूज कर सकते थंब के साथ, ये जगह ऊंची होती है और ये बोन बाहर को निकली होती है, ये काट देती है फिर। तो ये हमने गलत छुरी पकड़ी है, यही वजह है कि हम प्याज हाथ से नहीं काटना चाह रहे। अब हम इसको तैयारी शुरू करते हैं। अभी काफ़ी काम है, खासकर प्लेटा और पंच, ये कुछ जो बनाना है ना, तो और फिर सफाई रखना। तो ये चावल बनाने हैं हमने, तो ऑयल ज़्यादा डालें। अगर आप चावलों में जो अपने पुलाव नुमा बनाने हैं या तड़के वाले बनाने हैं, तेल कम डालेंगे तो वो बॉइल्ड राइस बन जाएंगे। ये हमने जिंजर डालनी है चावलों में, आलू वाले चावलों में, तड़के वाले चावलों में भी डलती है। तड़के वाले चावलों में तो साबित काली मिर्च भी डलती है। बस स्क्रेप कर लें, तो खानी ही जड़ है तो छील छील के क्या करना। कितने अच्छे देखिए गुलाबी हो गए। इसमें डाली अदरक, अदरक को खुद ही जाने की बहुत जल्दी थी, और डाला नमक। तीन कप हैं चावल, तो दो टीस्पून फूल हमने डाल दिया इसलिए कि आलू है। पानी बस जितना हमने डाला है, तो जीरा इसीलिए हमने बॉदर नहीं किया पहले डालने के लिए, इसलिए कि ये तले तले ही बनाने हैं, उबले उबले नहीं बनाने। कवर करना है ताकि ये गले। आंच मीडियम, क्या चीज देखो कितने अच्छे तले तले, और ये हो भी गए इतनी जल्दी। इसको बाकी के जो हैं समझें कि उन्होंने हो जाना है चावलों में। ये डालें आलू, और इस पॉट में अब हम डालते हैं पानी, और ये डाला 4.5 कप पानी, 3 कप में, और ये भिगोए हुए चावल 3 कप बासमती दावत। और अब हमने इनका चखना है नमक पानी का, तो चुभता हुआ हो, तेज हो जरा सा, क्योंकि आलू है, आलू तो सारा नमक जो है चूस जाते हैं। 3/4 टीस्पून डाला है, इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए हमारे आलू वाले चावल, क्या नफीस चावल बने हैं, देखा, ये देखिए लाजवाब निखरे निखरे मोतियों की तरह। जायके में, खुशबू में, हर चीज में। तो ये बहू ने बनाना है रेनबो प्लेटा, तो कलर्स तो पूरे मिले नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। फ्रूट हमने आपको मम्मा ने रेडी किया हुआ है, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे फिर। तो सबसे पहले ये हम डालते हैं, और उसके बाद डालना है ग्रेप्स। हमारे घर
में कैसा तूफान रहता है, बच्चे हैं ये देखें, ये देखें ये आ रहे हैं और अंगूर ले लेके जा रहे हैं। बहुत ही बनाना ये आसान है, बस रंग पूरे हों फिर है। आज हमारे पास वैसे रंग पूरे नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। बहुत नीटली हमने कीवी फ्रूट को डाइस कर लिया और ये हमने काटना है खरबूजा। हाँ ठीक है, हमारी इसी तूफान में यहाँ सो रही है अपने स्नू में। ये देख रही हैं हनी ड्यू करके कुछ इस तरह का भी नाम होता है रॉक मेलन का, आम जुबान में तो हम रॉक मेलन ही कर देते हैं कह देते हैं, लेकिन तो ये वाला जो है ये हनी ड्यू है, ये ग्रीन वाला। ये कीवी फ्रूट, ग्रेप्स, ब्लैकबेरी और पाइनएप्पल। ये डालते हैं अब रेस्ट में। आपका काम इधर ही डाल दूं? मैं उस वक्त आपको सारी न्यूज़ दे देगा ना। अच्छा अच्छा। ये उठा ले। तो ये रहा हमारा रेनबो प्लेटर जो कि हमने तैयार किया है, ये देखें। इज देयर पिंक नैपकिंस इन देयर? नो। आई वांट टू ट्राई प्लीज। तो ये बनाते हैं पंच। तो सबसे पहले तो डालते हैं जिंजर एल। तो ये है कि ये उसी वक्त ही आप बना सकते हैं जबकि मेहमान आए ही हों। अगर आप पहले बना लेंगे तो उसका जायका जो है बदल जाएगा। और ये वाला हमने फ्लेवर रखा है ब्लड ऑरेंज एंड पैशन फ्रूट। वैसे हम ब्लड ऑरेंज अवॉइड करते हैं इसलिए कि हमें लगता है उसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है। ये किसी बच्चे ने गिराई है, देख लें आप, और उठा के यहाँ रख गए हमारे खोलने को। सारा अब ये चिप चिप करेगा। चलो जी रेस्पबेरी की जी सब ठीक है। और ये डालते हैं अनार के दाने इसमें। चलिए जी एक आध जूस जो है वो अभी हमने इसमें और डालना है। और ये वाला जो है हमने डाला है इसमें, ये भी फिजी है। और ये डालते हैं अनार। और ये डालते हैं एक कैन हम इलायची का। तो हम इसको मिक्स करते हैं और चखते हैं। अमीर हो गए हो। फिशिंग कर रहे हैं। ढकना ही टूटा है ना? चमचल वही नीचे मैंने इसके साथ के बहन भाई सारे रखे हुए। तो यहाँ पर के देखें सारा सेटअप जो है किया हुआ है। तो डेढ़ बजे का टाइम दिया हुआ है, वो वक्त के हैं भी पाबंद, तो पूरे डेढ़ बजे वो यहाँ होंगे इसके ससुराल वाले। इधर बारबेक्यू करना है और ये सामने आर्च सजाई हुई है और ये पूरे कैंडल्स के हैं।
बाकी सारा कुछ हो गया ना, इज एवरीथिंग एल्स। वो क्या धोना था, प्लेटें धोनी थी क्या शेफ के लिए? अच्छा